तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो देखिए दोस्तों, आज से आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है लेट्स क्रैक साइंस। और इसमें हम लोग करने वाले हैं पहले की जैसे साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आप लोग इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सिर्फ रेलवे ही नहीं, आप लोग कोई सा भी एग्जाम दे लो दोस्तों, इस वाली क्लास से आप लोगों के सभी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। तो डेली 1 PM पे क्लास होगी, इसको मिस ना करें। आज से आप लोग स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कितनी सारी चीज आप लोगों को जो डर था साइंस का वो दूर होता जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो, सारे कोर्स आप लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। SSC एग्जाम्स का जब गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे 12 महीने का दोस्तों 6500 का है, कोड लगाइए नीरज 11 या आपका 5850 का मिल जाएगा। ठीक है, 12 महीने का 6500 है, कोड पूछेगा नीरज 11 लगाइएगा, 5850 का मिल जाएगा। दोस्तों डेली सुबह 9:30 बजे आप लोगों की वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है, एक तो 9:30 AM और एक आप लोगों के इधर 1 PM पे होती है। तो दोनों क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के लिए थ्योरी की क्लास भी मैं करा रहा हूँ, ये सभी क्लास आपके लिए करवा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री। शाम को 4 बजे हम लोग पढ़ेंगे आज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, किस प्रकार आपके बॉडी में ब्लड फ्लो होता है ना, आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो ये पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज शाम को 4 बजे, वही वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 1। ठीक है, हाँ कल क्लास नहीं होती 1 बजे वाली, फिर मैंने सोचा संडे है तो नई सीरीज स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों आप लोगों को मैं रूल्स बता देता हूँ, रूल्स क्या रहेंगे इस क्लास के। पूरी क्लास की चैट्स क्या रहेगी दोस्तों, बंद रहेगी। आप लोगों के लास्ट में चैट खुली जाएगी, यानी लास्ट में आप लोग कमेंट कर पाओगे। अभी आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ टेस्ट पे होना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शंस आएगा, जो भी आप लोगों को लगता है ये राइट आंसर होना चाहिए उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जब पूरे 35 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को आपके रैंक शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास, कर देता हूं मैं बंद। चलिए सर, 9 AM वाली क्लास नहीं हुई क्या? क्यों नहीं हुई? पहली बात तो 9 AM पे नहीं होती, 9:30 बजे होती है, समझ गए बात को। केमिकल रिएक्शन करवाने वाले थे 4 बजे, हम वो थोड़ा इसके बात करा लेंगे ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात में करा लेंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। इनमें से कौन सा अंग है जो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्राप्त करता है? तो दोस्तों मुझे नहीं पता, मैक्सिमम स्टूडेंट लंग्स क्यों जवाब दे रहे हैं। अरे लंग्स का पता है आप लोगों को काम क्या होता है? लंग्स का जो लंग्स होता है इसके पास में दोस्तों डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलोगे? जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है और लंग्स इसमें ऑक्सीजन मिला देता है, तो इससे जो ब्लड निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं जा रहा क्या? केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें जाता है क्या? नहीं दोस्तों, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है ना इसमें, तो लंग्स तो ऑप्शन में कहां से हो गया। चलो बात करते हैं लीवर की। तो देखो बात करते हैं लीवर की, तो जो आप लोगों का लीवर, देखो लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है वो जाता है हार्ट के पास में, हृदय के पास में। हृदय क्या करता है? उस ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है जिससे सभी जगह ब्लड पहुंच सके। तो ब्लड दोस्तों यहां से लीवर में भी जाता है, किडनी में भी जाता है। तो लीवर में आपका आता है प्योर ब्लड, है ना। देखो ये रहा आप लोगों का लीवर, ये रहा आपका हार्ट हृदय। तो इस हार्ट से देखो ब्लड क्या आप लोग के लीवर में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो ये रेड रेड वाला क्या है? प्योर ब्लड है आपका। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो स्टमक है आपका, पेट है, इसमें जाता है प्योर ब्लड, लेकिन जो इससे इम्प्योर ब्लड जाता है ना वो पहले किस में जाता है? लीवर में जाता है, फिर उसके बाद में इम्प्योर ब्लड बाहर निकलता है। तो क्या लीवर में इम्प्योर ब्लड नहीं जा रहा क्या? केवल और केवल प्योर ब्लड जा रहा है क्या? केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है क्या? नहीं, लीवर में आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया लंग्स में भी जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लीवर में भी जाता है। दोस्तों जो गिल्स होता है गलफड़ा, ये कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ये मछली में पाया जाता है। तो गिल्स क्या है दोस्तों? ये अंग है जिसके पास में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है।
यानी जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, और ये इसमें ऑक्सीजन मिला देता है। जैसे ऑक्सीजन मिलाने का काम लंग्स का है हमारी बॉडी में, सिमिलरली मछलियों में ये कार्य करता है कौन, गिल्स यानी गलफड़े। तो राइट आंसर एक ही बचा, स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा के पास में केवल और केवल जाता है दोस्तों प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये प्लीहा होता कहां पर है, देखो ये हमारा स्टमक होता है आमाशय, इस आमाशय के पास में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको बोला जाता है स्प्लीन यानी प्लीहा। इस प्लीहा के पास में जो ब्लड जा रहा है, देखो ये मैंने बड़ा करके बताया ना ये प्लीहा है, तो देखो इसके पास में रेड कलर वाला देख रहे हो, ये प्योर ब्लड जा रहा है। ये नीले वाला क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। दोस्तों जाता इससे प्योर ब्लड है, इससे निकलता इम्प्योर ब्लड है। इसमें जाता केवल कैसा ब्लड है, केवल प्योर ब्लड जाता है, केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास में केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलोगे, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, और इसी को हम लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या, हम सब करके बताओ। और अगर आप लोगों से पूछ ले स्प्लीन में जो ब्लड लेकर जा रहा है उस ट्यूब का क्या नाम है, जैसे ये लीवर में जो ब्लड जा रहा है इस ट्यूब का नाम है हेपेटिक आर्टरी। जो किडनी है, जो वृक है, जो आपके गुर्दे हैं, इसमें जो ब्लड लेके जा रहा है इस ट्यूब का नाम होता है रेनल आर्टरी। सिमिलरली अगर आप लोगों से पूछे कि प्लीहा में जो ब्लड जा रहा है वो कौन सी ट्यूब से जा रहा है, तो प्लीहा में जो ब्लड जा रहा है उसका नाम है स्प्लेनिक आर्टरी, है ना। तो ध्यान रखेंगे स्प्लेनिक धमनी है, स्प्लेनिक धमनी है जो कि प्लीहा में या स्प्लीन में ब्लड लेकर जाता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक कीड़ा है जिसमें ल्यूसिफ्रिन नामक वर्णक होता है। पहले हम लोग समझते हैं ल्यूसिफ्रिन नामक वर्णक होता क्या है, इसका काम क्या होता है। होता किसमें दोस्तों, ये फायरफ्लाई में होता है। फायरफ्लाई जो कि क्या है, एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुगनू के नाम से भी जानते हैं। क्या नामते हैं, जुगनू के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप लोगों की जुगनी है, जुगनू है, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से क्या होता है, इस अभिक्रिया के तहत दोस्तों इसमें लाइट का प्रोडक्शन होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। जुगनू में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस बायो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही हो रही है ना, इसमें कुछ प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से इसमें लाइट उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। और प्रकाश उत्पन्न होने में कौन सा पिगमेंट है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस जुगनू में, उस पिगमेंट का, उस वर्णक का नाम है ल्यूसिफ्रिन, है ना। कौन सा हो जाएगा आपका, ल्यूसिफ्रिन। तो ल्यूसिफ्रिन कहां पर पाया जाता है दोस्तों, जुगनू में पाया जाता है, फायरफ्लाई में पाया जाता है। अब आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों ये खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो जुगनू होते हैं ना, खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। किसकी वजह से करते हैं दोस्तों, ल्यूसिफ्रिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। इसलिए हम लोग ये कहावत बोलते हैं कि दोस्तों जिंदगी में कभी परेशानी आए तो डरना मत, आप अपने खुद के सोर्स प्रोड्यूस करना। तो जो जुगनू है इसको भी उजाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद लाइट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। देखो क्या शानदार फैक्ट है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। इनमें से कौन सा पिगमेंट है, कौन सा वर्णक है जो मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। तो बात आती है कि सर ये पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट दोस्तों ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो यूरिन का कलर अगर येल्लो है तो वो भी किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से हुआ होगा। तो यूरिन का जो येल्लो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर यूरोक्रोम तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। दोस्तों ध्यान रखें, जो आपका यूरोक्रोम बोल लो या यूरोबिलिन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो यूरोक्रोम का ही दूसरा नाम क्या होता है, यूरोबिलिन।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछे आपके मूत्र में ये यूरोक्रोम आता कहां से है, तो आपके ब्लड में क्या पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो निर्माण करता है दोस्तों किसका, यूरोक्रोम का, और यही यूरोक्रोम आपके यूरिन में आ जाता है जिसकी वजह से यूरिन का कलर पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताइए। बोला जा रहा है इनमें से कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती। देखिए दोस्तों आपके ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया क्या? इसी ऑक्सीजन का अमाउंट जिसमें ज्यादा है इस ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है इसको हम लोग इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो प्योर ब्लड होता है शुद्ध रक्त, वो हमेशा आर्टरी में बहता है, हमेशा धमनियों में बहता है। समझ गए बात को? तो कौन सी धमनी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, जो आर्टरी होती है ना धमनी, उसमें हमेशा कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन आर्टरी के आगे अगर एक वर्ड लग जाए पुल्मोनरी, एक वर्ड लग जाए पुल्मोनरी, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन मैं पूछूं पुल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होगा, तो दोस्तों इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। तो पुल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, वो फ्लो होता है ऑप्शन नंबर डी। रेनल आर्टरी क्या होता है? आर्टरी है तो इसमें भी क्या होता है आपका, प्योर ब्लड फ्लो होता है। और ये कहां पर लेके जाता है ब्लड? रेनल आर्टरी के माध्यम से किडनी में ब्लड जाता है। हेपेटिक आर्टरी के माध्यम से कहां पर ब्लड जाता है? आपके लीवर में ब्लड जाता है। दोस्तों कार्डियक आर्टरी के थ्रू कहां पर ब्लड जाता है? आप लोगों के हार्ट में जाता है, आपके हृदय में जाता है। समझ में आ गया क्या? तो पुल्मोनरी आर्टरी में क्या प्योर ब्लड फ्लो होता है, क्या ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है कि नहीं? कैसा फ्लो होता है? इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो कहां पर जाता है ये भी बता दो। तो दोस्तों जो आपकी पुल्मोनरी आर्टरी है ना, ये हार्ट से, हृदय से लंग्स में क्या लेके जाती है? ब्लड लेके जाती है कि लंग्स भैया इसको प्योरीफाई करो, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसमें ऑक्सीजन मिलाओ। तो जो हृदय से इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स के पास में, वो जाता है पुल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनियों के थ्रू, फुसफुसीय धमनी के थ्रू। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बताएंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताओ। आपकी बॉडी के कौन से सिस्टम को एचआईवी प्रभावित करता है? एचआईवी क्या है दोस्तों? एक वायरस है। ये क्या करता है? आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, देखो आपके ब्लड में लाल रक्त कोशिका भी पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है। तो डब्ल्यूबीसी के ही दोस्तों क्या होते हैं, पांच प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है दोस्तों लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट क्या करता है दोस्तों? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जैसे आपको कोई भी बीमारी हो जाती है तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। तो जो ये एचआईवी वायरस होता है, इस लिम्फोसाइट को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो क्या आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना पाएगी? क्या नहीं? आपको छोटा सा भी रोग हो जाएगा तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगी, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इससे किस पे प्रभाव पड़ता है? आपके इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं। दोस्तों मजा आ रहा है, एक एक क्वेश्चन दिमाग में घुस रहा है ना, चलो चलते हैं आगे। तो पूरे 35 क्वेश्चन के बाद में मैं आप लोगों को आपके रैंक शेयर करूंगा, आप लोग परेशान मत होना। बताओ
आपको उस ग्रंथि का नाम बताना है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। दोस्तों ग्रंथियां क्या होती है? ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जो किसी पदार्थ को निष्कासित करते हैं, जिनसे कोई पदार्थ निकलता है, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रंथियां। और ऐसी ग्रंथियां जिनसे हॉर्मोन्स निकलते हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनमें से कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि क्या है? खुद भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, खुद भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, साथ में जो बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियां है उसको कंट्रोल कौन करता है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसलिए हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब आपको मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथियां है, तो क्या इनसे हार्मोन निकलते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इससे कई हार्मोन निकलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। मैं सिंपल सी एक चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने कई बार आपको बताया है, या फिर जो बच्चे नए स्टूडेंट है ध्यान रखे, पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये एक हार्मोन है जो आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? आप लोग रट के चले गए, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है सर, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। लेकिन इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि वो कहाँ से निकलता है, ऑप्शन में पिट्यूटरी नहीं था, ऑप्शन में था एंटीरियर पिट्यूटरी, एक था पोस्टियर पिट्यूटरी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो पीयूष ग्रंथि होती है इसको आप लोग दो भाग में बांट सकते हो, एक तो आगे वाला हो जाएगा और एक पीछे वाला। तो दोस्तों जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है, वहां से निकलता है आप लोगों का ग्रोथ हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये दोनों कहां से निकलते हैं? दो हार्मोन के नाम याद रखिए, कहां से निकलता है? एंटीरियर वाले पार्ट से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है डैश परपोषी पोषक का एक तरीका नहीं है, हेटरोट्रॉफिक का एक तरीका नहीं है। अब क्या बोलना चाह रहा है समझ में नहीं आया, आइए समझते हैं। देखिए आप लोगों को पता है, क्या आप अपना भोजन खुद बना लेते हो क्या? नहीं, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं बाकी चीज पे। जैसे मान लीजिए हम लोगों को प्लांट से मिलेंगे एप्पल, एप्पल हम लोग खाएंगे, प्लांट से मान लीजिए कोई सब्जी मिलेगी उसको पकाएंगे फिर खाएंगे, तो हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, समझ गए? हमको किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए हम क्या है दोस्तों? विषम पोषी है, या फिर आप लोग बोल सकते हो परपोषी, जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। और दोस्तों कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे प्लांट होते हैं, क्या आप लोग उनको जाके देते होगा कि भाई रोटी खा लो सब्जी खा लो? नहीं, वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं समपोषी, ये सॉरी स्वपोषी, इनको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं यानी जो विषमपोषी होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? ये जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन का मतलब है दोस्तों भोजन लेना, है ना? तो ये कितने प्रकार से होता है जो आप लोगों का विषमपोषी है ना, विषमपोषी ये कितने प्रकार का होता है? देखो एक तो होता है दोस्तों होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक क्या होता है दोस्तों? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो किसी आप लोगों के सॉलिड मैटर पे डिपेंड करते हो, जैसे मान लो हम है एप्पल खाएंगे, या कुछ मान लो रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो उस पे डिपेंड करते हैं, इस प्रकार के न्यूट्रिएंट को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक होता है दोस्तों सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है? जो किसी मृत चीजों पर डिपेंड करते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर, जो आप लोगों के मृत जीवों पर जो डिपेंडेंट रहता है, मृत जीवों पे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट बोलते हैं, सेप्रोफाइट, या फिर इसको बोलते हैं मृत जीव पोषी भी बोलते हैं, मृत जीव पोषी। और एक होता है दोस्तों पैरासाइट यानी परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो डिपेंडेंट तो दूसरे पे रहते हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, आपने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक पैरासाइट है, एक परजीवी है, इसको कोई ना कोई चाहिए जिसमें ये रह सके, कोई
कोई लिविंग चीज चाहिए, या तो मच्छर में रह लेगा, अगर वो मच्छर आपको काट जाएगा तो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, इसको कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो दोस्तों विषम पोषी के कौन कौन से प्रकार हो गए, पैरासाइट भी हो गया आपका, सेप्रोफाइट भी हो गया आपका, होलोजोइक भी हो गया, है ना, ऐसा कोई प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो चिकन पॉक्स की बात करें, देखो कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग उसको बोलेंगे, डिजीज यानी वो रोग डेट आर स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, जैसे कोरोना है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, समझ गए बात को। अब बात आती है कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, ये जो संक्रामक रोग होते हैं किस किस की वजह से होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस, है ना, आप लोग का फंगस हो गए, कवक हो गए, प्रोटोजोवा, इनकी वजह से जो रोग होते हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेबल होते हैं, क्योंकि आप लोग छींकोगे हो सकता है बैक्टीरिया आपसे निकल के दूसरे की बॉडी में घुस जाए, समझ गए बात को। तो देखो चिकन पॉक्स वायरस से होने वाला रोग है, यानी ये भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके भी फैलने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों जो टीबी होता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी ये भी आपका कम्युनिकेबल हुआ। कॉलेरा भी दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से होता है। डायबिटीज क्या होता है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। और ये किसकी कमी से होता है, ये आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इंसुलिन की कमी होगी आपके बॉडी में तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताइए। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे भारी धातु, हैवीएस्ट मेटल, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्मियम। अगर आप लोगों से पूछे लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का धातु कौन सा हो जाएगा, तो सबसे हल्का धातु हो जाएगा दोस्तों लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। और ऑस्मियम का आप लोगों से पूछ ले तो ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 76, है ना। देखो ये रहा आप लोगों का ऑस्मियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 76, और ये सबसे भारी आपका मेटल होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ये मैग्नेटाइट कर लेते ना, मैग्नेटाइट। चलिए अब आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों एक बार रुकिए, इसमें मेरे से पोल गलत चल गया है ना, ये देखो पोल क्या यही आया क्या, तो यही है ना, सही है तो है, Fe3O4 सही तो है ना, तो इतने बच्चे इसको गलत क्यों दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। देखो बात करते हैं मैग्नेटाइट क्या है, ये आपके आयरन का एक और है, लोहे का एक अयस्क है। अब आप लोग बोलेंगे अयस्क क्या होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि मैग्नेटाइट क्या है, आयरन का और है, लोहे का अयस्क है, इसका मतलब इससे आप लोग लोहा निकाल सकते हो। जैसे बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो उसको एल्यूमिनियम का अयस्क क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उससे बॉक्स, उससे आप लोग एल्यूमिनियम निकाल सकते हो। तो आयरन के बहुत सारे आप लोगों के क्या होते हैं दोस्तों, अयस्क होते हैं, हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है। तो मैग्नेटाइट की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Fe3O4। और क्या इससे लोहा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना लोहा पाया जाता है, 72.4%। तो सबसे ज्यादा लोहा कौन से अयस्क में पाया जाता है दोस्तों, मैग्नेटाइट में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी यौगिक को, किसी कंपाउंड को
ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्गीकृत करने के लिए, मतलब अगर आप लोग चाहते हो उसको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूं तो उसमें क्या ऐसी चीज होनी चाहिए। तो अगर किसी यौगिक में, यौगिक क्या होता है जो कम से कम दो तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे NH3 ये यौगिक है क्या? बिल्कुल, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे बात करते हैं CO2, क्या ये एक कंपाउंड है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो ये दो तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन कमेंट करके बताइए क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या बताओ? दोस्तों ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आप लोग बोलेंगे अभी तो आपने बताया जिस यौगिक में कार्बन होता है। दोस्तों एक कंडीशन और है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसमें हाइड्रोजन होना भी जरूरी है ना, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, है ना। तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। क्या बोलना चाह रहा है आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए आप लोगों के पास में -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या थी, बर्फ थी, है ना। ये एक आप लोगों का कंटेनर है जिसमें बर्फ के टुकड़े पड़े हैं बहुत सारे। आप लोग इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। आप लोग इसको हीट कर रहे हो, जैसे जैसे आप लोग हीट करते जा रहे हो आपने देखा इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप लोगों ने हीट करा इसका टेम्परेचर दोस्तों क्या हो गया, बढ़ता गया। लेकिन अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ के -10 से मान लो कितना पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, लेकिन है अभी भी ये बर्फ है। कितना हो गया इसका टेम्परेचर, 0 डिग्री हो गया। आपने इसको और हीट करा और हीट करा, आप देखते हो दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी आपने इसको और हीट करा दोस्तों, ये आप लोगों का इसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट हो गया। आपने इसको और हीट दी, जो टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, बस क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है इसकी। तो ऐसी हीट, आप ये हीट गुप्त गुप्त कहाँ हो गई, गायब कहाँ हो गई, ये टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रही। तो दोस्तों ऐसी हीट जो फेज चेंज कर दे, अवस्था परिवर्तन कर दे बिना तापमान में परिवर्तन के, इस प्रकार की हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या करती है दोस्तों, इसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, टेम्परेचर में चेंज नहीं करती। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ गए बात को, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। पानी हो गया, फोम हो गया, सूखा पाउडर हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए, ये किसके प्रकार है? देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो पानी हो गया ये भी आपका फायर एक्सटेंशन में यूज होता है, फोम भी यूज होता है, ड्राई पाउडर भी यूज होते हैं, तो ये सारे के सारे दोस्तों किसके प्रकार है, फायर एक्सटेंशन के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भाग लिए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है? तो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लो ए प्लस बी मिलके ये बना रहे सी, तो दोस्तों कुछ पदार्थ होते हैं जो इस अभिक्रिया की दर को, इस अभिक्रिया की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। इनमें से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव मेटल कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम,
है ना, पोटेशियम और सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इस सोडियम और पोटेशियम में भी सबसे ज्यादा कौन होता है? पोटेशियम। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो होता है दोस्तों पोटेशियम, फिर इसके बाद में आता है सोडियम। लेकिन दोनों ही आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिए हुए थे, ना पोटेशियम दिया हुआ था ना सोडियम दिया हुआ था। अब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, ऑप्शन में मिलेगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। लास्ट में रैंक शेयर करूंगा आपकी, ठीक है? बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देते जाओ और सीखते जाओ। आप लोगों को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है? दोस्तों ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाटर गैस बोलते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो वाटर गैस क्या है? अ फ्यूल गैस कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मतलब एक गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोलेंगे वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। तो देखिए आपको पता है बैलून में हम लोग वो गैस भरेंगे जो एयर से हल्की हो, वायु से हल्की हो, तभी तो दोस्तों ऊपर जा पाएगी। अगर एयर से भी भारी है तो नीचे रह जाएगी। तो हम लोगों को बैलून में उस गैस को भरना है जो एयर से हल्की हो। अब दोस्तों हाइड्रोजन तो काफी हल्की गैस है, फिर भी इसके स्थान पर आप लोग कौन सी गैस हम लोग प्रेफर करते हैं? हीलियम प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो एक ज्वलनशील गैस होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील गैस होती है, जबकि ये अज्वलनशील गैस होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बैलून्स होते हैं उसमें हम लोग हीलियम गैस यूज करते हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों का हीलियम है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस इज हाईली इनफ्लेमेबल, ये काफी ज्वलनशील होती है, जबकि जो हीलियम होती है वो ज्वलनशील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ, ये चूने का पानी क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं चूने का पानी, या भुजा हुआ चूना भी हम लोग इसी को बोलते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग इसमें CO2 गैस प्रोवाइड करोगे तो क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी के बनने की वजह से जो ये आपका चूने का पानी था, इसका रंग क्या हो जाता है दोस्तों? दुधिया हो जाता है, ठीक है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी, करनी चाहिए थी। देखो यहां पर बोला जा रहा है विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है, और इसकी हिंदी दी हुई है जैविक अम्ल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, दोनों एक ही चीज है। कैसे दोस्तों? ऑर्गेनिक एसिड आप लोग किसको बोलोगे? ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलोगे? सर जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है। और जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये आप लोगों को नेचुरली मिलते हैं, या तो दोस्तों एनिमल से मिलेंगे या आप लोगों को प्लांट से मिलेंगे। इसीलिए इन ऑर्गेनिक एसिड को, सॉरी ऑर्गे एम सॉरी दोस्तों, हाँ सही तो लिखा है, मैं कैसे कंफ्यूजन हूँ, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलोगे? जिसमें कार्बन पाया जाता है। और जितने भी दोस्तों आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी आप लोगों के कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये आप लोगों को प्लांट से या एनिमल से, है ना, नेचुरली आप लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको जैविक अम्ल भी बोलते हैं, इसको हम लोग जैविक अम्ल भी बोलते हैं।
अब देखो नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, HNO3, इसमें कार्बन पाया जा रहा है क्या? नहीं, ये ऑर्गेनिक एसिड है ही नहीं, और ऑर्गेनिक एसिड नहीं है तो ये आपका जैविक अम्ल भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड, ये कहां पर मिलता है? ये अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो कहां पर मिलता है? सिरके में पाया जाता है। मैलिक एसिड दोस्तों आप लोगों के एप्पल में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपके नींबू में पाया जाता है, ठीक है? तो देख लो मैलिक जो एसिड होगा वो आपको एप्पल में मिल रहा है, सिट्रिक एसिड की बात करें तो आप लोगों के लेमन में, ऑरेंज में, इनमें पाया जाता है। एसिटिक एसिड कहां पर पाया जाता है? विनेगर में, सिरका में, टोमेटो में, तो ये आप लोग को नेचुरली मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है इनमें से कौन सी मेटल है जो बहुत ज्यादा नमनीय है, बहुत ज्यादा डक्टाइल है। डक्टाइल क्या होता है? अगर किसी को खींच के आप लोग तार में कन्वर्ट कर पा रहे हो, किसी को वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे लकड़ी है, उसको खींच के क्या उसका तार बन जाएगा क्या? वो खींच ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे मान लो लोहे की रॉड, तो उसको आप लोग काफी खींच सकते हो, वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है दोस्तों? ये होती है गोल्ड की, ऑप्शन नंबर बी। गोल्ड इजीली आप लोगों का वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है, और इसके बाद में दोस्तों किसकी होती है? सिल्वर की होती है। तो जो डक्टिलिटी है, तन्यता है, वो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखी है, यानी सबसे ज्यादा गोल्ड की, उसके बाद में सिल्वर की, फिर प्लेटिनम की। आप तो बस ये ध्यान रखिए सबसे ज्यादा गोल्ड की और सेकेंड नंबर पे सिल्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। जो अम्लीय वर्षा होती है एसिड रेन, इसका पीएच कितना होता है? तो ऑब्वियसली बात है, इसको अम्लीय वर्षा क्यों बोल रहे हैं? जो आप लोग के नॉर्मल जल होता है उसकी तो पीएच होती है दोस्तों 7, है ना? इसको अम्लीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है। 7 से कम होता है तभी वो कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन दिया? लेस देन 5, बिटवीन 5 एंड 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब बहुत जने सोच रहे होंगे सर 5 एंड 5.5 भी तो हो सकता है। दोस्तों जो आप लोगों का एसिड रेन होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए वर्षा का जल आया, ये H2O आया, समझ गए बात को? ये वर्षा का जल आया, आपको पता है इस एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो दोस्तों ये वर्षा का जल इस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बना लेता है H2CO3। यानी दोस्तों आप लोग का जो नॉर्मल वाटर ना, बिना पॉल्यूशन के भी, वो भी थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। इसको हम लोग एसिड रेन नहीं बोलते हैं। एसिड रेन किसको बोलते हो? जब इसमें वर्षा के जल में बहुत खतरनाक एसिड मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, तो इसकी पीएच बहुत कम कर देता है, बहुत ज्यादा अम्लीय बनाता है, 5 से भी कम कर देता है, ठीक है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ गए? चलो आगे। अब बात आती है सर ये HNO3 आया कहां से, या H2SO4 आया कहां से? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मान लो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये वर्षा के जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है, सॉरी नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। जो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, जो आप लोग की इंडस्ट्री वगैरह से निकलते हैं, ये वर्षा के जल से अभिक्रिया करके बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे गैलेना के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों जो आप लोग का लेड सल्फाइड होता है ना, लेड सल्फाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेना, ऑप्शन नंबर सी। ये लेड सल्फाइड क्या है? ये लेड का क्या है? एक अयस्क है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है? लेड पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन पे क्या चढ़ाया जाता है? तो आयरन पे कोटिंग होती है दोस्तों जिंक की। तो देखो यहां पर क्या होता है, पहले जो जिंक होता है ना, जिंक,
इसको आप लोग कर लेते हो पूरा मेल्ट और एक टब में रख देते हो, है ना, एक टब में रख देते हो जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, और इसमें डाला जाता है आयरन। तो जैसे ही बाहर निकालोगे इसके ऊपर जिंक की लेयर आ जाएगी ना, इससे क्या फायदा होगा, अब इस लोहे पे जंग नहीं लगेगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो जीनोन है इसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि जो नाम आया है वो एक वर्ड से आया है जिसका नाम है जीनोस, और इस जीनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर यानी अजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, दोस्तों आपको बताना ब्रेड थोड़ी सी फूली फूली सी रहती है, तो इसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, या फिर कई बार आप लोगों से पूछा जाता है जो ब्रेड होती है ना उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये कौन सी गैस की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। देखो मैं आपको बता दूं, ये आपके जो छोटे छोटे छेद है ना, छोटे छोटे छेद है देख पा रहे हो, तो किसकी वजह से होते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जब हम लोग ब्रेड का निर्माण करते हैं। आओ मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों पहले हम लोग लेते हैं फ्लोर यानी मैदा, इसमें मिलाते हैं दोस्तों शुगर, इसमें मिलाते हैं पानी, और यूज करते हैं एक कवक का जिसको हम लोग बोलते हैं यीस्ट, समझ रहे हो। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो शुगर होता है वो कन्वर्ट होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर निकलेगी दोस्तों, इन छोटे छोटे जब निकलती है तो छोटे छोटे छेद कर जाती है, तो जो छोटे छोटे छेद हो रहे हैं ये किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, और इसी की वजह से जो गैस होती है ये आपकी जो ब्रेड होती है थोड़ी मुलायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए, दोस्तों घड़ी होती है एटॉमिक क्लॉक, वो किस पे बेस्ड होती है, तो बात करते हैं दोस्तों एटॉमिक क्लॉक की। तो ये क्या है, ये आप लोगों की बेस होती है, इसमें किसके यूज होते हैं, आप लोगों के सीजियम यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है, सीजियम। तो दोस्तों इसमें सीजियम के जो एटम्स होते हैं परमाणु, जब इस पे क्या पड़ता है, रेडिएशन पड़ता है, विकिरण पड़ता है, तो वो काफी एक्साइटेड होते हैं, इस वजह से आप लोगों की पूरी क्लॉक चलती है ना। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, ये जो क्लॉक है ये किस पे बेस्ड होती है, ये आपके सीजियम के परमाणु होते हैं, और जब इन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विकिरण पड़ती है तो इनमें कुछ क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मतलब एक्साइटमेंट, बोलो एक्साइटमेंट ना, एक्साइटमेंट का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल का बढ़ जाना, ऊर्जा के लेवल का बढ़ जाना, और इस बेसिस पे ये पूरी क्या करती है, घड़ी कार्य करती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, बोला जा रहा है कौन सी गैस फ्लोरोसेंट ट्यूबों को नारंगी रंग प्रदान करती है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी आप लोग जाते हैं, जो ट्यूबलाइट्स लगी होती है अलग अलग कलर की होती है ना, तो क्या है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स ही है। तो आप लोगों को पूछा है कौन सा कलर है जो मतलब नारंगी लाल रंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो बात करते हैं देखिए ऑरेंज कलर के लिए, तो ऑरेंज लाइट यूज नियॉन गैस, समझ रहे हो बात को, तो ऑरेंज के लिए होती है आप लोगों की नियॉन गैस। अगर बात करते हैं ये जैसे मैं आप लोगों से बोलूं ब्लू के लिए कौन होता है, तो ब्लू में दोस्तों आपके मरकरी की कुछ वेपर होती है, किसके साथ में, आर्गन के साथ में। अभी आप लोगों का क्वेश्चन और ये ऑरेंज वाले के लिए पूछा गया था, तो ऑरेंज के लिए हम लोग कौन सी गैस यूज करते हैं, नियॉन गैस यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, जंग को निम्नलिखित तीन घटकों में से किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए जंग किस पे लगेगी, लोहे पे लगेगी,
और कैसे लगेगी जब आप लोग लोहे को खुला छोड़ दोगे, तो इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और इस दोस्तों वायु में कुछ जल वाष्प भी है, इसकी मदद से मतलब आपका आयरन ऑक्सीजन और इस मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है दोस्तों, हाइड्रेटेड आयरन बना लेता है और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो जंग के लिए एक तो आपको लोहा चाहिए, साथ में दोस्तों नमी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डैश लौंग तेल का एक घटक है, मतलब इनमें से कौन सी एक चीज है जो कि लौंग के तेल में पाई जाती है, वो हो जाएगा आपका दोस्तों यूगेनॉल, है ना। तो अगर हम लोग बात करें यूगेनॉल जिसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है दोस्तों, परफ्यूम में होता है, आप लोगों के कुछ एसेंशियल ऑयल में होता है, मतलब जो आपके आवश्यक, जैसे लौंग का तेल हो गया, इसमें आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, यूगेनॉल होता है। तो ये यूगेनॉल की बात आती है, इसका यूज क्या है दोस्तों, ये एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में, और दोस्तों संवेदनारी दर्द पीड़ा को दूर करने के लिए। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है लौंग में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये किसका नेम है, तो जो आपके बेकिंग सोडा होता है या खाने का सोडा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, खाने का सोडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं उसमें हेयर को सेट करने के लिए किसका यूज करा जाता है, सल्फर का करा जाता है, जो जेल वगैरह वगैरह आप लोग लगाते हो ना उसमें क्या होता है, सल्फर होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। देखिए आप लोगों को बोला जा रहा है सिल्वर पेंट, आपने सुना होगा सिल्वर पेंट, वो चमकीला चमकीला सा होता है ना, अरे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो मिठाई होती है उस पर भी चांदी का वर्क लगाया जाता है, वैसे ही कहीं उसी प्रकार का टेक्सचर लाने के लिए क्या करा जाता है, सिल्वर पेंट करा जाता है। तो इसमें से मेन कंपोनेंट क्या है कि सिल्वर मिलाया जाता है कि दोस्तों एल्यूमिनियम का पाउडर होता है उसमें, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ऐसा कौन सा हेलोजन है जो कमरे के तापमान पर गैसीय नहीं है? हेलोजन किसको बोलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में ये हो गया 18वां ग्रुप, ये हो गया 17वां ग्रुप, तो 17वें ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन भी आपका एक हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है, लेकिन ये दोनों तो किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन जो होता है वो एक तरल अवस्था में पाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। जो पीएच स्केल था, इस पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आप लोग बोल सकते हैं।
तो जो ये स्केल है आप लोगों को बताता है कौन कितना अम्लीय है या कौन कितना क्षारीय है। तो ये जो स्केल खोजा गया था वो किसके द्वारा खोजा गया था, सोरेन सोरेनसेन के द्वारा, ठीक है। तो ये सोरेन सोरेनसेन है जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों पीएच का, कब दिया था 1909 में दिया था, और ये क्या बताता है किसी के अम्लता और क्षारकता के बारे में बताता है। लास्ट क्वेश्चन आज आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ट्रिक याद रखो दोस्तों, ईट पग नाचे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आपको मैं रैंक शेयर कर देता हूं, कमेंट करके अपनी रैंक बताएंगे रैंक क्या आई है आप लोगों की। और दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, रैंक आपकी 6000 आए या 2000 आए, पहली आए, इससे कोई भी आप लोगों का फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो रैंक लेकर आनी है हमको एग्जाम में लेकर आनी है, यहाँ पर सीखना है। 35 में से 35 भी गलत हो जाए तो घबराना नहीं है, आप लोगों को ये सीखना है कि 35 क्वेश्चन में मुझे क्या सीखने को मिला या कौन सी गलतियां है जो मैं कर रहा हूं या कौन सी ऐसी चीज है मुझे नहीं आती। तो बस आप लोगों को सीखने पर ध्यान देना है, रैंक पे ध्यान नहीं देना। रैंक जस्ट आप लोगों का थोड़ा सा इसलिए शो करी जाती है जिससे आप लोगों को थोड़ा सा पता पड़े कि हाँ आप लोग की तैयारी किस लेवल की है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना कि नहीं सर मेरी तैयारी कम है, ठीक है। सर 15वें क्वेश्चन में पोल गलत लगा दी आपने, कौन सा था 15वां क्वेश्चन, देखता हूं रुको। कौन सा अभिक्रियाशील है, तो मैंने कैल्शियम ही तो लगाया था, कुछ और लगा दिया था क्या, कैल्शियम ही तो लगाया था मैंने। सही तो है, गलत लगा दिया, गलत लगा दिया कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं डेली 1 PM पे क्लास होती है, आप लोग जुड़े, आप लोग सभी समस्याएं छोड़ दीजिए, बस इधर टेस्ट पे ध्यान दीजिए, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगी। डेली 1 PM पे क्लास आपकी चलती है और सुबह 9:30 बजे आप लोगों की चलती है वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे, है ना। और आपके लिए दोस्तों थ्योरी की भी क्लास मैं करवा रहा हूँ, 4 बजे आज मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन, किस प्रकार से आप लोगों के बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, क्या होता है हीमोग्लोबिन, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो, सारे कोर्स आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। एसएससी का लोगे तो उसमें मैथ्स रीजनिंग पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिल जाएंगे। तो 12 महीने का 6500 है, कोड लगाइए नीरज 11, ये आपका पड़ जाएगा 5850 रुपए का, ठीक है। तो 12 महीने का 6500 है, कोड लगाइए नीरज 11, ये आपको पड़ जाएगा 5850 रुपए का। सर एग्जाम कब होगा, अभी तो देखो दोस्तों थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को जिस प्रकार से कोरोना के केस चल रहे हैं, है ना, बाकी हो भी सकता है। तो आप लोग अभी इससे प्रभावित ना हो कि सर एग्जाम कब होगा, आपको तो बस दोस्तों अपनी तैयारी रखो। देखो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ यही है ना कि सर मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, अभी आपके हाथ में ये नहीं है कि आप लोग गवर्नमेंट को या किसी दोस्तों और संस्थान को आप लोग बोल सको नहीं अभी पेपर ले मेरा अभी ले। तो दोस्तों वो जब पेपर होगा सबका साथ में होगा, तो जितना टाइम बाकी को मिलेगा आपको भी उतना ही मिल रहा है, तो आप लोग इन चीजों में वेस्ट ना करिए। अब जो होना होगा जब हो जाएगा, आप लोग बस अपनी प्रिपरेशन बढ़िया रखिए, जो आपके कमजोर पॉइंट्स है उसको दूर करें। और दोस्तों इस क्लास की PDF क्लास के बाद में मिल जाएगी, क्लास के बाद में नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है 4-5 मिनट के बाद में, है ना, तो आप लोग वहां से मिल जाएगी, टेंशन ना लें। अंकित मिश्रा जी करते हैं अभी 4-5 दिन में करते हैं, ठीक है अंकित मिश्रा जी। चलिए तो मिलते हैं 4:00 PM, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।